हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। ये पार्ट टू है। हमने पार्ट फर्स्ट जो सीख लिया है क्लास एट्थ हनीड्यू, जो हमारा पार्ट जो चैप्टर थ्री चल रहा था, पार्ट वन हो गया, ये पार्ट टू है। तो शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन मतलब उत्पीड़न, जो इंडियंस जो है भारतीय लोगों का, जो अंग्रेज लोग थे, फिर उत्पीड़न करने लगे, उन्हें परेशान करने लगे, तो फिर क्या होने लगा, बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू अप्रेस इंडियंस, वो इंडियंस को अप्रेस करने लगे, अप्रेस में उत्पीड़न करना, उन्हें परेशान करना। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने जो है रेगुलेशन थर्ड लागू कर दिया। अंडर 18 कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, और इसमें क्या था कि जो है किसी भी भारतीय को बिना किसी ट्रायल के, मुकदमे के, जेल में जो है कैद किया जा सकता है, ये था इसमें। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज, और जो हर समय मतलब सारा समय जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो क्या करते थे कि जो है भारत से काफ़ी बड़ी मात्रा में सैलरी ले रहे थे, एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और प्राइवेट बिजनेस भी वो जो है बढ़ा रहे थे, काम कर रहे थे उसमें भी। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया, और जो है ब्रिटेन क्या करने लगा फिर के जो ब्रिटेन से करीब 7 करोड़ का जो सामान इंडिया में एक्सपोर्ट किया उन्होंने, मतलब इंडिया में लेके आए, और यहाँ से पैसा गया इसका मतलब इंडिया से वहाँ। अब क्या है, द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई, और जो ब्रिटिश थे अंग्रेज लोग थे वो तो प्रॉस्पर होने लगे, बढ़ने लगे, जो पैसे वाले अमीर होने लगे, लेकिन जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, इंडिया जो है भारत का जो उद्योग था वो ख़त्म होने लगा, क्योंकि वो कंपनीज की जो लूट थी, कंपनी ने लूट की, इसके वजह से वो प्रॉस्पर होने लगे। प्रॉस्पर मतलब जो उन्नति करना। गवर्नर जनरल बेंटिंक रिपोर्टेड बैक होम, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो इसका जो क्या रहा कि जो वीवर्स की जो बोन्स थी, हड्डियाँ थी, उनसे क्या हो रहा है कि जो प्लेन्स हैं वो ब्लीच हो रहे हैं, मतलब सफ़ेद हो रहे हैं उनकी हड्डियों से, तो ऐसा इसका कहना था। आगे हम समझते हैं, डिससेटिस्फैक्शन का अर्थ होता है असंतुष्टि, 1835-56 में ये चला। तो एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत, भारत की जो शिक्षा थी वो पर्शियन में और संस्कृत में थी। इन 1835 अ इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉली सजेस्टेड अ चेंज, उसने एक बदलाव लाने की जो है सजेशन दिया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, उसने कहा कि हमें जो है नेटिव है मतलब भारतीय लोग हैं उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा सिखाया जाना चाहिए, ये कह रहा है। अग्री मैं सहमत हूँ। आगे, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू हुम द ब्रिटिश गेव प्रेटी जॉब्स अंडर देम, और इंग्लिश एजुकेशन जो फिर प्रोड्यूस होने लगी, उसने जो क्लर्क्स कुछ बनाए और उन्होंने जो है उन्हें कुछ काम सौंप दिए छोटे छोटे। इंसिडेंटली और जो है इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, और एक नई जनरेशन इससे जो क्रिएट हुई, एक बौद्धिक नई बुद्धि की जो है, नई बौद्धिक शक्ति की एक नई जनरेशन पीढ़ी इससे क्रिएट हुई। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, हमें अपने ब्रदर्स को मतलब भाइयों को पढ़ाना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी जो मटेरियल जो भौतिक कह सकते हैं जो स्थिति है उसे सुधारना चाहिए। फॉर वॉट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसेज टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसेज टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये कह रहा है कि इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो ग्रीवेंसेज मतलब दुख हैं, कष्ट हैं, वो हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाने चाहिए कि हमें हमारा जो क्या कष्ट है। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया, और 1856 में ब्रिटिश सरकार ने सारे देश को जीत लिया। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, वो भारतीय लोगों की ज़रूरतों के बारे में बहुत ही कम परवाह करते थे। अवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब्स, जो किंग्स हैं वो क्या बन चुके थे, पपेट्स मतलब उनके जो है पीछे पिछलग बोल सकते हैं, या उनके गुलाम बन गए थे ब्रिटिश लोगों के। वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब्स, ये कह रहा है कि हमारे जो पिछले काम थे वो सारे खत्म हो चुके, एंड लैंड्स और भूमि भी। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, वो कह रहे हैं हमारे भाइयों को वो कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब धर्म बदल रहे हैं उनका।
यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम अवे, ये कह रहा है तुम सिर्फ बातचीत करते रहोगे, उन्हें कुछ उन्हें भगाने के लिए कुछ करो। आगे द स्पार्क्स, स्पार्क्स मतलब चिंगारी, फिर चिंगारी भड़कने लगी इन्हें उन्हें भगाने के लिए, इंडियंस लोग काफ़ी परेशान हो गए उनसे। आगे टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पेजेंट्स, पेजेंट्स मतलब किसान, जो किसान थे तो उन्हें टैक्सेस जो है बर्बाद करते रहे, किसान थे वो टैक्स ही भरने में लगे रहे, उनके लिए कुछ नहीं बचा। इन बंगाल द संथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट, और बिहार में जो है बंगाल में जो संथल्स थे वो काफ़ी उदास हो गए, डेस्परेट मतलब बहुत ही दुखी हो जाना, बहुत ही दुखी हो गए। इन 1855 दे रोज एन इन रिबेलियन एंड मैसकर्ड यूरोपियंस, वो मतलब एक विद्रोह उन्होंने शुरू कर दिया और यूरोपियंस थे उनको बहुत लोगों को मार दिया। मैसकर का अर्थ होता है जो हत्याकांड करना, तो जो है उनकी काफ़ी यूरोपियंस की हत्या कर दिया। एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और उनके जो सपोर्टर्स थे उनको भी उन्होंने मार गिराया। आगे डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया, जो डिसकंटेंट मतलब असंतुष्टि धीमे धीमे बढ़ने लगी इंडिया में, कंपनीज आर्मी टू, और जो कंपनीज के जो सैनिक थे उनमें भी जो है विद्रोह की भावना बढ़ने लगी, असंतुष्टि बढ़ने लगी। द वाइट सोल्जर गेट्स यूज पे, क्योंकि जो वाइट सोल्जर्स थे जो अंग्रेज सिपाही थे उन्हें काफ़ी मात्रा में पैसा मिलता था। मैंसन्स टू लिव इन, और मैंसन्स मतलब हवेलियां मिलती थी, बड़े घर मिलते थे रहने के लिए। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, वो कहता है कि हमें बहुत ही कम मात्रा में पैसा मिलता है इंडियंस को, और स्लो प्रमोशन मतलब प्रमोशन मतलब आगे जो प्रमोशन मिलता है वो बहुत ही धीमे धीमे मिल रहा है हमें। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट अवर रिलीजन, वो कह रहा है कि अंग्रेज हैं वो हमसे सी क्रॉस करने के लिए मतलब इंग्लैंड जाने के लिए कहते हैं, जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश अवर एज ओल्ड कस्टम्स, वो कह रहा है ये टोपी वाले मतलब ये अंग्रेज कौन होते हैं, हमारे धर्म को खत्म करने वाले, हमारे रीति रिवाजों को खत्म करने वाले। थाउजेंड्स ऑफ अदर सेपॉइज, सेपॉइज मतलब ऐसे लोग होते हैं जो अंग्रेज लोगों के जो अंडर काम कर रहे थे, ऐसे सिपाही, तो जैसे सेपॉइज थे रिवॉल्टेड, वो विद्रॉ करने लगे। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, तो उनसे उनकी वर्दी छीन ली गई, वो जो सिपाही थे तो उन्हें जो है जॉब से हटा दिया। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, ये कह रहा है कि हमें अंग्रेज को भगाना चाहिए। सेपॉय मंगल पांडे अटैक द एडजूटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड, जो रेजिमेंट जिस मतलब उसमें ग्रुप में था तो उस पर उसने अटैक कर दिया और उसे फिर एग्जीक्यूट मतलब फांसी की सजा मिली मंगल पांडे को, जो हेड था जो उसके जो रेजिमेंट का जो हेड था उस पर उसने जो है अटैक कर दिया, तो इस वजह से उसे फांसी की सजा मिली। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड, यहाँ से फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, कुछ ही जो है अंग्रेज लोग जो है भारतीय लोगों के रीति रिवाज और उनके जो मन की बात को समझ पा रहे थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाय इट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिक्स, ये यहाँ पर मंगल पांडे ये कह रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि जिस जो जो उस पर बंदूक पर जो ग्रीस होता है जिसे तुम मुँह से जो वो करना पड़ता है हटाना पड़ता है, तो ये किसका बना होता है, ये काउज और पिक्स के फैट से बना हुआ होता है। वॉट, ये कह रहा है क्या कह रहे हो तुम, द वाइट मैन है डिसीव्ड अस टू, ये कह रहा है कि जो अंग्रेज लोग हैं उन्होंने हमें भी धोखा दे दिया, डिसीव मतलब धोखा देना। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वॉन्ट देयर सर्विसेज, और फिर जल्दी ही क्या होने लगा, गांव-गांव जो रोटियां जाने लगीं और एक सूचना जाने पहुँचने लगी कि उनके जो एम्परर हैं सम्राट है उन्हें उनकी जो है काम की ज़रूरत है। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, ये कह रहा है कि हमारे सारे गांव के लोग तैयार रहेंगे। सिमिलरली लोट्स फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और जो है इंडियन सोल्जर्स में फिर लोटस फ्लावर्स थे कमल के फूल थे वो जो है एक दूसरे पर पहुंचने लगे, इससे जो एक तरह का चिन्ह समझ लो कि विद्रोह के लिए एक दूसरे को तैयार कर रहे थे। डेड टू द फॉरेनर, और ये जो नारे लगाने लगे कि जो फॉरन विदेशी हैं उन्हें मारो। द मासेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, पैट्रियट मतलब देशभक्ति थे, तो जो मैसेज मतलब दल और ग्रुप्स बने तो उन्होंने जो और देशभक्ति थे उन्हें शरण दी, उन्हें अपने पास रखा, ग्रुप्स बनाए फिर उन्होंने।
रिवोल्ट। और मैं चाहूँगा इस चैप्टर को आप अपने जो एसएसटी टीचर हैं उनसे भी समझ लें, ये तो सिर्फ इंग्लिश में है तो हम वैसे ही एक्सप्लेनेशन एक तरह ट्रांसलेशन करते हुए समझ रहे हैं। रिवोल्ट, रिवोल्ट का अर्थ है विद्रोह। 1857 में विद्रोह होने लगा पूरी तरह से अंग्रेज लोगों के खिलाफ। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, और फिर मेरठ में एक जो है वायलेंट होने लगा, एक बार में एक विद्रोह होने लगा पूरी तरह से। आगे द सेपॉयज मार्च टू दिल्ली, जो सेपॉयज थे जो सिपाही थे वो दिल्ली की तरफ चले। लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह, नारे लगाने लगे बहादुर शाह जो, लॉन्ग लिव जय हो बहादुर शाह की, इस तरह से। द रिवेलियन स्प्रेड वाइडर, जो विद्रोही थे वो बहुत दूर दूर तक फैलने लगे, विद्रोह होने लगा अंग्रेज लोगों का। मैनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड देवर सोर, और जो लैंड लॉर्ड, बहुत सारे जो है लैंड लॉर्ड्स मतलब जमींदार, उन्होंने जमींदारों ने अपनी भूमि को खो दिया सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज की पॉलिसीज की वजह से, अंग्रेजों की पॉलिसीज नीतियों की वजह से उनकी जो है ज़मीन उनके हाथ से चली गई, और वो बहुत ही देवर सोर मतलब बहुत ही दुखी थे, गुस्सा थे। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, और ये सोच विचार बना रहे हैं कि जो वाइट मैन होंगे लोगों का जो रूल है जो शासन है वो खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, और ये कह रहा है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। नेक्स्ट द फाइट फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए लड़ाई। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, ये बहुत ही जो है बिटर थे, बिटर मतलब जो है बहुत ही उनसे जो है घृणापूर्ण थे। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, ये कह रहा है कि जो अंग्रेज लोग हैं उन्होंने हमारा राज्य ले लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला और फैजाबाद टोल्ड द पीपल राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रुइनिंग अवर लैंड, ये कह रहे भाई ओटो ये अंग्रेज लोग हैं वो हमारी भूमि को बर्बाद कर रहे हैं, रुइन मतलब बर्बाद करना। दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, और जो फॉरेनर में देश विदेशी या अर्थात अंग्रेज लोगों के खिलाफ जो अपसर्ज, अपसर्ज मतलब ये जो विद्रोह उठा हुआ था, तो वो सबने पे ज्वाइन करने लगे सभी लोग। द पीपल रोज एवरीवेयर, और लोग फिर हर जगह जो है खड़े होने लगे उनके खिलाफ, इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद, यहाँ पर जो है विद्रोह करने लगे लोग एक दूसरे के खिलाफ। अजीमुल्ला खान टोल तात्या टोपे वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो जो है अजीमुल्ला खान टोल तात्या टोपे, इन्होंने तात्या टोपे बताया कि हमें पेशवा नाना साहब को क्या बनाना चाहिए, अपना जो लीडर बनाना चाहिए इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस युद्ध का लीडर बनाना चाहिए। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह, जो करीब 80 साल का था, कुंवर सिंह ऑफ बिहार, रिसीव्ड अ बुलेट इन इज रेस्ट, उसकी कलाई में जो है बुलेट लगी, एक बंदूक गोली लगी। मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, और ये कह रहा है माँ गंगा से कि ये मेरी लास्ट जो है चढ़ावा है खून का तुम्हारे लिए, ऑफरिंग मतलब जो चढ़ावा। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिस्ट बैटल्स ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, और पैट्रियट देशभक्त थे, उन्होंने ब्रिटिश पर धावा बोल दिया, अटैक किया और बहुत ही जो है भयंकर रूप से उन्होंने लड़ाई की, बैटल किया नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी जो भारत में भयंकर रूप से जो है अंग्रेज लोगों के खिलाफ जो है युद्ध किया, और शायद यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है, बस इतना ही है ठीक। और ये जो आगे स्टोरी है वो भी मैं एक वीडियो में आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो फिलहाल हमने ये समझ लिया। और मैं चाहूँगा इस चैप्टर को आप अपने एसएससी टीचर से और समझ लें, या फिर हो सका तो मैं समरी एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो इसमें सिर्फ हमने एक तरह से ट्रांसलेशन और हर सेंटेंस वाइज ये सारा कुछ समझ लिया है, फिर भी आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या पूछ सकते हैं कैसे भी। सो थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, और लोग भी हमसे जुड़ें और सीखें, थैंक यू। और आपको कोई सजेशन है, एनी काइंड ऑफ सजेशन इफ यू वांट टू से द राइट इन कमेंट बॉक्स, थैंक यू।